से करता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज याद दोबारा आया हूँ. दिस इज माई सेकेंड टाइम हियर एंड अजय सर थैंक यू फॉर हैविंग मी एज ऑलवेज. आई वॉज अ बैड स्टूडेंट, मुझे पढ़ाई में कोई शौक नहीं था और जब बड़ा हुआ तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं था शौक. शौक रहता तो शायद मेरे दिमाग में और भी अच्छे अच्छे ख्याल आते, मैं और कुछ अपनी जिंदगी के साथ कुछ और कर पाता. लेकिन इसीलिए मेरे दो बेटे हैं, उन्हें मैंने पढ़ाया. मैं चाहता था कि एजुकेशन उनकी पूरी हो क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो हम लोग बच्चे, अभी तुम लोग सुन रहे हो, बोलेंगे यार पढ़ाई में तो मजा नहीं आता, हमारे मम्मी पापा हमें जबरदस्ती भेज देते हैं. लेकिन जब आप बड़े हो गए आपको इस बात का अंदाजा होगा कि एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, बिकॉज नो मैटर वॉट प्रोफेशन यू चूज, इफ यू एजुकेट यूर सेल्फ इट हेल्प यू इफ थिंग्स डोंट वर्क आउट फॉर यू इन द प्रोफेशन यू आर. एंड इफ यू आर डूइंग वेल इन योर प्रोफेशन एंड यू कैन इम्प्रूव एंड गेट इन टू अदर थिंग्स एंड मेक योर लाइफ यू नो मोर ईजी. सो माई सन ग्रेजुएटेड फ्रॉम NYU Stern, ही इज डन फाइनेंस. आई मीन आई एम फ्रॉम द फिल्म वर्ल्ड, बट आई वॉन्टेड माई सन टू स्टडी एंड ही ग्रेजुएटेड विद ऑनर्स. So I was really proud of him, and all I can say is I love you all for giving me so much love. I'm overwhelmed. I am. I don't know. I feel I'm dreaming right now in my life. That itna pyar mil raha hai mujhe har taraf se, and I'm just grateful to God. And also, I need you all to know that you have to have self-belief. Self-belief makes you positive. Makes There's this energy that's created inside you which attracts people around you. And if you believe in yourself, you'll always be able to achieve things in life. But stay humble. Always stay humble. Be grateful for whatever you achieve. And don't take life for granted. Thank you so much. Thank you, sir. अजय सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. ये इसीलिए नहीं कि इन्होंने हमें यहां पर बुलाया है. मैं फर्स्ट टाइम अजय सर यू डोंट नो, बॉबी सर को भी नहीं पता है और गुरप्रीत आपको भी नहीं पता है कि दैट आई ओन टू स्कूल्स इन शिमला, हिमाचल प्रदेश. आई एम फ्रॉम शिमला और मेरे दो स्कूल्स हैं और मेरी जितनी सिस्टर्स हैं जो मदर फादर फैमिली है, क्योंकि लोग मुझे सिर्फ मदर फैमिली से जानते हैं गोविंदा जी की तरफ से, लेकिन मेरी जो फादर फैमिली है सब एजुकेशन में है. मेरी जितनी सिस्टर्स हैं वो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, एंड दे ओन द स्कूल्स इन शिमला. तो आई नो कि एक स्कूल चलाने के लिए कितना ब्लड और स्वेट लगता है. इसीलिए अजय सर के लिए जोरदार तालियां होता है. सो वंडरफुल. मुझे पता है सर, दिल दिमाग दिन रात आपको इस स्कूल में देना पड़ता है. बाकी आई एम सो हैप्पी, दिस इज माई सेकेंड टाइम कमिंग टू दिस स्कूल. तो जो इतने इतने थे वो इतने इतने हो गए, जो परफॉर्म भी कर रहे थे कुछ कुछ, तो टीचर्स उतनी हैं. लेकिन बट जेन्युइनली मैं अपनी जितने बच्चे हैं ना, कह रहे थे कि आप बच्चों को मोटिवेट करिए, कुछ कहिए, बट मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि यू नो इवन टुडे इतना एक साल काम करने के बाद आई एम इन टच विद माय टीचर्स. मेरी जितनी टीचर्स हैं मैं उनसे जाता हूँ, मिलता हूँ. तो आई थिंक ये आप जब पढ़े होंगे तो इसको तो आप बरकरार रखें कि सबसे मुलाकात करते रहें अपने जितने गुरु हैं. एंड आई वॉज वेरी हैप्पी टूडे टू सी द साइंस एग्जिबिशन. अजय सर ये आज जो एग्जिबिशन था ये पिछली बारी से मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि आपने मुझे इस एग्जिबिशन में बुलाया. एंड आई कॉल्ड माई साइंस टीचर टूडे. मैंने उनको बोला कि सर आइए साथ में स्कूल में चलते हैं. तो बोले थे मुझे क्यों लेके जा रहे हो. मैंने बोला सर जिस सब्जेक्ट में मुझे आपने इतने साल मुर्गा बना के रखा उसी सब्जेक्ट के लिए आज मैं चीफ गेस्ट बन के जा रहा हूँ. बहुत बड़ी बात. सो अपने टैलेंट पे फोकस करें आप जितने भी बच्चे हैं. अपनी तरफ से मैं सिर्फ यही कहूंगा एंड रिस्पेक्ट योर टीचर्स, बिकॉज आधी जिंदगी पता चलता है कि हमने स्कूल में बिताई है, तो हमारे आधे माँ बाप हमारे टीचर्स हैं. सो ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द टीचर्स. थैंक यू सो मच. थैंक यू. और नहीं, जाने से पहले जिनसे मैं प्यार करता हूं, जिनकी फैमिली से भी बहुत ज्यादा प्यार करता हूं और सबके साथ मैंने काम किया है, आई लव धरम जी, सनी पाजी, बॉबी सर, जोरदार तालियां पूरे परिवार के लिए. वन ऑफ द स्वीटेस्ट फैमिली, इतने बड़े सुपरस्टार बट सो स्वीट. इतना प्यार मिलता है मुझे सबसे. मैं जब भी, मुझे ही नहीं जितने लोग हैं सबको इतना प्यार करते हैं.
और कहते ना, हम मेरा तो बोलने का काम है, हम लोग बोल के कमाते हैं, लेकिन इन्होंने जो बिना बोले कमाया एनिमल में, जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। धन्यवाद सर। इट्स वंडरफुल टू बी हियर, थैंक यू सो मच। आई लव गोइंग टू स्कूल, जब बच्चों को मिलके, सबको मिलके इतना अच्छा लगता है, स्कूल टाइम याद आ जाता है। एंड अजय सर हमें, मुझे बहुत पसंद है, जितने सीधे हैं पर्सनली, बड़े उतने बड़े बड़े काम करते हैं और लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। मेरी सिस्टर के स्कूल्स हैं शिमला में, हिमाचल में, तो मुझे पता है कि एजुकेशन में कितनी मेहनत लगती है और बच्चों को एजुकेट करने में जो ओनर होता है, जो प्रिंसिपल होती है और टीचर्स का कितना खून पसीना जाता है। तो आई एम सो थैंकफुल टू ऑल माय टीचर्स। अभी वो सही जाए थे तो लेट देन डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्जीबिशन आया स्कूल में, अजय सर बहुत अच्छी तरीके से उसका प्लानिंग किया है शुरू से लेके अभी, वी आर एट द एंड, शुरू से लेके अभी तक बहुत अच्छी तरह से प्लानिंग किया है, हर एक चीज़ का ख्याल रखा है और पंक्चुअलिटी है और सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है और उनके स्टाफ ने भी बहुत अच्छी तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया है। ये सब वेरी वेरी वेल ऑर्गेनाइज एंड वेल प्लान इवेंट है, इतने सारे स्कूल इसमें हिस्सा लिया है और कभी भी कहीं भी कोई ऐसा भागदौड़ी नहीं है कि कोई मिसमैनेजमेंट नहीं है, हर एक चीज़ बारीकी से प्लानिंग करके और इतने सारे ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेज करना, ये इजी टास्क नहीं था जो कि कॉल सर ने बहुत अच्छी तरीके से निभा दिया है। आज का जो कार्यक्रम था वो बेसिकली प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था सर शालेय उपक्रम समिति का, जिसमें बच्चों ने बैंड, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, फोक डांस, मोनो एक्टिंग, ऐसे अलग अलग उपक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया था। तो मुझे लगता है आज ये बहुत एप्ट ओकेजन था कि उनको प्राइजेस इतने बड़े सेलिब्रिटी के हाथ से मिला, जिससे कि बच्चों को भी एक प्रोत्साहन मिला कि एक आर्टिस्ट या एक सेलिब्रिटी के हाथ से प्राइज लेने का अपनी ही एक खुशी होती है। एग्जीबिशन वॉज साइंस एग्जीबिशन वॉज ऑर्गेनाइज एट CWC स्कूल, जिसको होस्ट किया था हमारे सबके फेवरेट अजय कॉल सर ने, एंड मैं खुद इस स्कूल के साथ बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ, मेरे दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ चुके हैं, सो एज अ पेरेंट ऑल्सो मैंने बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस किए थे जब बच्चे पढ़ते थे, एंड तब से लेके आज तक अजय सर ने हमेशा कंधे से कंधा मिला के हमारा साथ दिया है, मेरी जर्नी को देखा है इन्होंने, फ्रॉम पेरेंट टू टिल टुडे आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, इट्स अ प्रिविलेज। एंड बहुत सारे मोर देन 100 स्कूल्स हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस एग्जीबिशन, एंड बहुत प्राउड फील होता है जब बच्चे इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, सारे टीचर्स एंड पूरे स्कूल का स्टाफ लगा हुआ था, इस मेहनत में जुड़ा हुआ था। इसकी एंट्री इतनी ग्रैंडियर थी कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं स्कूल में एंटर कर रही हूँ, ऐसे लग रहा था कि आई एम एंटरिंग इनटू द स्पेस, व्हिच इज़ वेरी वेरी यू नो इम्प्रेसिव। एंड ऑल्सो आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम बिकॉज वो हर बार बच्चों के अंदर एक नया हौसला लाते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स को बुला के, स्टार्स को बुला के, एंड मैं खुद आजकल बहुत बड़ी फ़ैन हूँ बॉबी देओल जी की। उन्होंने वो यहाँ पर आए, उन्होंने बच्चों की बहुत हौसला अफजाई की, बहुत अच्छे से बात की, बच्चों को सुन के बहुत अच्छा लगा बिकॉज आजकल के बच्चे सोशल मीडिया और फिल्म लाइन की वजह से बहुत फॉलो करते हैं सिनेमा को, एक्टर्स को, तो अगर ऐसे तरीके से भी उनको मोटिवेट किया जाए तो ये भी एक अलग तरीके का इंस्पिरेशन है। सो आई एम थैंकफुल कृष्णा, मेरे दोस्त ने आके बहुत रौनक लगाई, एंड हर टीचर के अंदर एक अलग टैलेंट है जो भी CWC के साथ जुड़ा हुआ है, सो आई एम फीलिंग प्राउड एंड प्रिविलेज टू बी हियर टुडे एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड कंग्रेचुलेशन। Thank you.